शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश को 11,000 वोल्ट का झटका लग गया, जहां अब अंधेरे में डूब सकता है बांग्लादेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पड़ोसी देश बांग्लादेश का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आरक्षण की हिंसा में ये देश ऐसा जल रहा है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी और देश छोड़ना पड़ा, फिर भी विवाद खत्म नहीं हुआ। अब हालात ऐसे हैं कि हिंसा की आग में ये देश खुद जलने लगा है। खाने पीने की चीजें महंगी होने लगी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा बांग्लादेश अब जल्द ही अंधेरे में भी डूब सकता है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पथल के बाद अब अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने। शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गए। इसके बाद भी पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस सरकार से आपत्ति जता दी है, लेकिन फिर हमले नहीं रुके हैं। इस बीच मोदी सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। बांग्लादेश में भारत से बिजली सप्लाई की जाती है। इसे लेकर अडानी पावर में बांग्लादेश को अपनी सारी बिजली सप्लाई करने के लिए झारखंड के गोडा में नए कोयला आधारित बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया था, जिसकी क्षमता 1600 मेगावाट है। पहले इस प्लांट से सिर्फ पड़ोसी देशों को ही बिजली निर्यात की जा सकती है, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक जोखिम देखते हुए मोदी सरकार ने बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए अनुबंध के तहत काम कर रहा है, लेकिन अब नियमों के बदलाव के चलते भारत को भी बिजली आपूर्ति कर सकेगा। 12 अगस्त की बात की जाए तो इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर 2018 के दिशा निर्देश में संशोधन किया गया। इस आदेश में कहा गया कि अगर पावर स्टेशन कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर पावर साफ़ तौर पर परचेजिंग एग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा या देरी हो रही है, तो ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशन को भारतीय ग्रेड के साथ जोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। ये पावर प्लांट भारत के भीतर बिजली बेच सकेगा, जिसका असर बांग्लादेश की बिजली सप्लाई पर होगा। 2018 के नियमों में किया गया संशोधन, केंद्र सरकार ने बिजली आपूर्ति करने के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को देश में भी पावर सप्लाई करने की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर पावर मिनिस्ट्री ने एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें पड़ोसी देश को बिजली की सप्लाई करने वाले 2018 के नियमों में संशोधन कर दिया गया। अडानी पावर के झारखंड के गोडा स्थित पावर प्लांट से बांग्लादेश को 800 मेगावाट बिजली बेची जाती है। साल 2017 में इसके लिए करार हुआ था। इसी तरह से एनटीपीसी भी बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली सप्लाई करती है। बांग्लादेश में विवाद और हिंसा के बीच अगर इन कंपनियों को नुकसान हुआ, उनका भुगतान नहीं हुआ, तो वो बांग्लादेश को बिजली बेचना बंद कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक संकट है, जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्र उग्र होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर मोदी सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।